पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय इन दिनों अपने टूटे हुए हाथ और कान 2024 में अपनी मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ऐश्वर्या राय पिछले कुछ समय से बच्चन परिवार के साथ अपने रिश्ते को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों की माने तो ऐश्वर्या राय और उनके पति अभिषेक बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस बीच अभिषेक बच्चन का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिषेक बच्चन ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि एक बार ऐश्वर्या राय से काफी डर गए थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्या राय उनके पास बैठे। ये किस्सा उस समय का है जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी नहीं हुई थी और न ही दोनों के बीच अफेयर था। वो दोनों कुछ ना कहो गाने की शूटिंग करने के लिए मॉरिशस पहुंचे थे। इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने आगे कहा था, ऐश्वर्या राय मेरे बगल में आकर बैठी थी लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था कि मैं तो गया, वो मेरे पास बैठी थी और सो गई। मैं सोचने लगा कि ये तो मिस वर्ल्ड रह चुकी है, अगर ये नींद से जाग गई और उन्हें कुछ खाने या पीने के लिए चाहिए हो तो। मैं बहुत डर गया था। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।